जुगाद गुरिये नमे जुगाद गुरिये नमे सतगुरिये नमे श्री गुरुदेव नमे। अज समूह खड़ दर्शन पेख भगवान दे चरणा अंदर विराजमान समूह साध संगत जीओ श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। अज असी साढ़े बहुत ही पूजनीक संत बाबा रघुवीर दास जी उन्हां दी सलाना बरसी दे श्रीमान महंत गंगादास जी दे सद्दी ते आए हाँ। संत इस संसार ते करन की आउंदे आ, इह संतां दी सब माया है जो स्थान बनाउंदे आ। कि छोटी जी कथा है कि एक बार एक संत रहिंदा सी नगर दे विच थोड़ा जा बाहर, तो अपने दिगंबर प्रकृति दे अंदर रहिंदा सी भाव के कपड़ियां तो बिना। संतां दी भाषा नूं ज्यादा लोग संत समझ सकते हैं जां जो संतां दे नज़दीक आ उह समझ सकते हैं। सेवादारां ने बड़ा परिश्रम किया कि महाराज कोई कुल्ली बना लिए, बारिश का मौसम है, ठंड है, नेरी है, धुप है, समा लंघता गया। एक संत आ गया उन्होंने कोल मिलने लिए, कुछ सूझवान सज्जना ने उस संत नूं कहा कि महाराज जी साडे महापुरशां नूं कहो भी कुछ बना लैण। संत ज्यादातर करण दे अंदर विश्वास रखते होंगे है बोलण नाल। तो उस संत ने कहा देखो संत नूं असीं कह नहीं सकते, एक मर्यादा है साडी, पर करके जरूर जावांगे कुछ ना कुछ। कुछ समा उत्थे बाबा जी रहे उन्हां कोल, संतां दी बरम दे चर्चा हुंदी रही। जदों संत जी जान लगे ना जिहड़े आए सी रमता राम जी, वह एक अपनी गीता दे गए संत नूं, कहिंदा महाराज जी चमासे दा समा आ गया है भाव बारिश दा, ते जदों मैं वापस आऊंगा मैं गीता लै जाऊंगा जी। चले गए अपनी खेड वरता गए संत। कहिंदे जदों मौसम बारिश दा आउण लग्गिया ते संतां दे मन च चिंता हो गई भी गीता भेज जू संत दी, ते गीता भी फिर संत दी है ते संत नूं कह भी कुछ नहीं सकदे। ते उहनां ने इक छपरी पाली, छपरी दे अंदर चूहा आ गया। संत नूं फिर चिंता व्यापी कि चूहा किते गीता ना टुक जाए संत दी। किन्ना प्रेम हुंदा है संत दा संत दे नाल, देखो इत्थे कहिंदा चूहा ना टुक जाए। फिर विचार किया भी किसी सेवक नूं दे दे गए, वह कहिंदे सेवकां दे घरे जवाक हुंदे आ, पाल ना देन, संत दी गीता है, लोकां नूं भी पता है भी संत दी परिभाषा की है। बिल्ली रख ली संतां ने लिया के, बिल्ली नूं दुध चाहीदा सी, इक गां भी लियांदी, छपरियां भी पालियां, समा काही है थोड़े जन वेटदी है, गां सूपी बच्छी देती भागवत सोने। समा वधदा रहा, जिस तरह बाबा गंगादास जी ने यह स्थान बनाया एक वड्डा सारा स्थान बन गया। समा लंघदा गया, 12 साल पूरे हो गए, अगे संत 12 साल तो गेड़ा मारते सी, कहिंदे 12 साल बाद उह संत भी आ गए गीता वाले, आके पुछे आ भी भाई इत्थे इक संत रहिंदा सी दिगंबर, कहिंदे महाराज जी आ जिहड़ा राजमहल खड़ा ना उहनां दा ही है, इह डेरा ही है।
ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਦਿਗੰਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਏ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਨਮੋ ਨਰਾਇਣ ਹੋਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵਿਓ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ, ਤੈ ਕਰ ਮਰਕਟੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਜਵੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।